नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और आपको बता देते हैं कि जानकारी के अनुसार अब तक जीजेयू का सबसे बड़ा मुद्दा उठ करके सामने आ खड़ा हुआ है। ये सभी लोग जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी जो है धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। और इस साइड दिखाना चाहूंगी कि वाइस चांसलर का ऑफिस है। जी हाँ, वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, जिनकी चर्चाएं आपने लगभग हर किसी के मुंह से सुनी होंगी, हर अखबार की सुर्खियां उनके नाम से सजी रहती हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पर सभी लोग, सभी जीजेयू के अंदर काम करने वाले शिक्षक और गैर शिक्षक क्यों धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके पीछे की एक बड़ी वजह सामने निकल कर के आ रही है। और वो बड़ी वजह भी आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या है। तो आपको बता देती हूँ कि सुनने में आया है कि प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, जी हाँ, हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहीं ना कहीं जो है तबादला होने वाला है। और उसके बाद अब जो है वो अपने चहेतों को प्रमोशन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जातिवाद के आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं। पूरा क्या मामला है वो इनसे ही सुनते हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों जातिवाद जैसे आरोप आप लोग उनके ऊपर लगा रहे हैं। अभी एक दूसरे कैडर से बंदा रिसेंटली वीरवार को ही, एक जुलाई होगी शायद, उस दिन प्रमोट कर दिया इस लाइन में जो टेक्निकल लाइन है, जबकि वो ट्यूबल ऑपरेटर की उसकी पोस्ट है, उसकी लाइन अलग बनती है। ठीक है। और लैब स्टाफ में प्रमोशन के एवेन्यू वैसे भी कम है, उधर लाके उसको सीधा 4200 के ग्रेड पे में, 1800 के ग्रेड पे से और 4200 के ग्रेड पे में प्रमोट कर दिया। दो बंदे इसी तरह पहले कर रखे हैं जी। वो दोनों उनकी जातिवाद के जो आरोप लग रहे हैं वो उसको सही साबित करते हैं, क्योंकि दोनों पंजाबी हैं वो। ठीक है। और ये जो बंदा किया है ये पता नहीं किस हिसाब से किया है, इसका कोई कैडर नहीं है, यहाँ कोई चैनल नहीं है, और बना के अपने चहेतों को फायदा पहुंचा के यहाँ से अपना बिस्तरा उठा के जाने की तैयारी है इनकी। ठीक है। सुनने में आ रहा है कि प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, जीजेयू के वाइस चांसलर, कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी करें, इतनी इस बात में कितनी सच्चाई है? इनकी अक्टूबर में 6 साल हो जाएंगी, 2 टर्म यहाँ निकाल गई है, और जितने धरने प्रदर्शन इनके यहाँ शासन काल में हुए है ना, इनके कार्यकाल में, इतने किसी भी वाइस चांसलर के कार्यकाल में नहीं हुए। ये क्योंकि गलत काम करते हैं इसलिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। सही काम जो 15-15 साल से बैठे हैं उनकी तो प्रमोशन हो नहीं रही। ठीक है। वेटिंग में जो बंदे लगे 2007 में और 1997 से जो लगे हुए हैं ना, उनके ऊपर बैठा दिया उसको ले जाके। ठीक है। और अब और भी ऊपर जो ग्रेड उसकी सेकेंड क्लास की जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है 7th लेवल की, पे लेवल 7 की, उसमें भेजने की तैयारी है उसको रोकने के लिए, और जो पीछे गलत प्रमोशन हुई है उनको रुकवाने के लिए हम बैठे हैं। मुख्य मुद्दा यही है। ठीक है। ठीक है। और भी यहाँ पर शिक्षक और गैर शिक्षक बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर वाइस चांसलर के ऊपर इस तरीके के आरोप लगने के बाद यूनिवर्सिटी के ऊपर कितना असर पड़ेगा? वो तो देखो, विश्वविद्यालय जो है ना, शिक्षा का एक ऐसा वो होता है कि शिक्षा का सबसे ऊपर का केंद्र होता है, और उसमें भी अगर इस तरीके के काम होते हैं तो आप खुद इस बात का हिसाब लगा सकते हैं। और ये जो लोग हैं टेक्निकल स्टाफ यहाँ 1997 से जो कार्यरत हैं, मैं भी 1998 से कार्यरत हूँ, हम लोगों का जो राइट था वो छीन छीन के इन्होंने एक एक करके, पहली बात तो हमारी प्रमोशंस के वैसे ही एवेन्यू ज़्यादा नहीं हुए, जब कोई आता है तो वो इस तरीके से दे दिया जाता है। अभी जैसे हमारे एक सीनियर साथी ने बताया, जिसका जिक्र किया, उस आदमी को सिलेक्शन के बाद में, जब सिलेक्शन लिस्ट वैलिडी खत्म हो गई थी, तो 7 महीने बाद तो उसको लगाया गया, वो भी गलत था। उसके बाद में उसको प्रमोशन दे दी गई, अभी रिसेंटली 1.5 या 2 साल पहले उसको प्रमोशन दी है, अभी फिर उसको हम लोगों से भी सीनियर किया जा रहा है। हम लोग उस प्रमोशन के इलिजिबल हैं 16 साल से, हम मांग रहे हैं तो कह देते हैं पोस्ट नहीं है, और जब उसको देने के लिए पोस्ट हो जाती है, तो आप देख सकते हैं मैडम इस बारे में आपका क्या मानना है। सर, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल। कुछ इस तरीके के आरोप जो है
जीजेयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार के ऊपर लग रहे हैं कि इतने सालों से जो है जो जूनियर है उनका प्रमोशन किया जा रहा है, लेकिन जो सीनियर है वो यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार से रूबरू हुए थे आप लोग, क्या उनसे इस मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश की गई थी? कई बार मैडम बात हुई है, उन्होंने स्वीकार भी किया है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं आगे एक गलत काम है नहीं करूंगा, मैं आगे जिनकी प्रमोशन बनती उनकी करूंगा। कमेंटमेंट के बाद भी अपने कमेंटमेंट मुकर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथी यहाँ 15-15 साल से बैठे हैं, जो 15 साल हो गए उनकी ड्यू है, सीधे रास्ते से उनकी सीधी बनती है प्रमोशन, मगर ये बाईपास रास्ता निकाल करके अपने चहेतों को बाईपास रास्ते से उनको ऊपर बिठाने लग रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है मैडम। और सबसे बड़े कारण क्या है कि वे जो तीन जिनकी प्रमोशन ऊपर तीनों बैठे हैं जो लेवल पे ऊपर जो सबसे इनकी बनती है वो तीनों अनुसूचित जाति से है, वो सिर्फ इसी कारण उनको प्रमोट नहीं कर रहे, यहाँ उनके साथ जातिगत भेदभाव भी होने लग रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो आखिरी पायदान पे हम उनको सबसे आगे लाएंगे, उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, मगर ये जो है जो आखिरी पायदान पे बैठे हमारे साथी उनको ये पीछे ले जाने का और काम कर रहे हैं वाइस चांसलर। हम सरकार से कहते हैं इस वाइस चांसलर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या खुद प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने अपने मुंह से कबूल किया है कि उन्होंने पहले इस तरीके के प्रमोशन किए हैं? मैडम ये सामने हमारे सामने होने लग रहे हैं और हमने धरने पे बैठ के उनको रुकवाए है और इन्होंने कबूल भी किया आगे से नहीं करूंगा ऐसा, मैं ना जाने किसके दबाव में आगे करता है क्या, इसकी मेंटेलिटी आज तक हमारे समझ में नहीं आई। एक तरफ तो प्रमोशन किसी की होती है तो हमें खुश होना चाहिए, हमें अफसोस है कि यहाँ पे उसके प्रमोशन के धरने पे बैठना पड़ता क्योंकि गलत हो रही है वो हमारे साथी की, किसी की प्रमोशन गलत हो जब हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, हमें कोई शौक नहीं है हमारे साथी की किसी प्रमोशन हो, मगर गलत तरीके से एक 15 साल से आदमी बैठा उनके ऊपर बिठाए तो हमें उस काम में दुख होता है। और ये काम वाइस चांसलर हमारे आपस में बढ़वाने का काम कर रहे हैं कर्मचारियों का, ये बड़े दुख की बात है मैडम। ठीक है, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही पूछते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है या हर डिपार्टमेंट में यही हाल है? नहीं, वाइस चांसलर सर का एक ये रूटीन में वो काम हो गया कि उन्होंने गलत काम टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के साथ करना है, सीनियरिटी को बाईपास करना उनकी एक आदत में शुमार हो गया है, पता नहीं क्या है, दबाव में करते हैं क्या, जो कुछ भी है वो इनके एक रूटीन वर्क में हो गया कि गलत करना है किसी तरीके से, जो सीनियर हैं जो लोग हैं उनको प्रमोशन नहीं देनी और मतलब बाईपास करके सीनियरिटी चैनल को और उनको प्रमोट करना है। ठीक है, तो लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जीजेयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कुछ जातिवाद आरोप लग रहे हैं और कुछ ये आरोप लग रहे हैं कि जो सीनियर है उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, 15 से 16 साल से बैठे हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो जूनियर है जो उनके जातिवाद के आरोप लग रहे हैं वो इस बात को सार्थक कर रहे हैं कि जाति से रिलेटेड लोगों को जो है आगे प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। सर मुझे ये बताइए कि आगे क्या कुछ रहने वाला है, कि आगे जो है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को लेकर के आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम ये धरना इसीलिए लगाया कि मैम अगर ये मेरिट से काम करेगा तो हमें कोई एतराज नहीं, सबका काम हो, सबका मेरिट के अनुसार हो, लेकिन ऐसे मेरिट तोड़ करके अगर किसी को जूनियर को प्रमोट किया जाएगा तो उसके विरोध में हम बैठे हैं और आगे कार्रवाई करेंगे जितना भी हमारे से हो पाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो चुका है आप लोगों को धरने पर बैठे हुए? हम शुक्रवार से बैठे हैं। शुक्रवार से बैठे हैं, हाँ। और अभी तक आप लोगों की प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार से मुलाकात नहीं हुई। रजिस्ट्रार साहब से बात हुई थी, रजिस्ट्रार साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई सोमवार को इसी हिसाब से टाइम लेकर के आपकी बात करेंगे, लेकिन अभी ना तो वाइस चांसलर साहब ने कोई वो बुलाया भेजा ना रजिस्ट्रार साहब ने भेजा। ठीक है, क्या आज उनसे बात करने की कोशिश की गई थी? हम तो तैयार हैं, अगर बुलाएंगे तो हम तो जो भी टाइम देंगे उसके ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोगों ने वीसी टंकेश्वर कुमार से बात नहीं की? उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, ऑफिस में ही नहीं आए हैं, वो छुट्टी के दौरान आए थे। फोन कॉल के ऊपर कोई बात हुई हो? उन्हें सोमवार का टाइम दिया था, सोमवार का टाइम तो हाँ। लगता है कि अभी वो मिलेंगे आप लोगों को? हाँ, लगता है मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं कि प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार से मिलने के बाद क्या कुछ बात रहने वाली है, क्या जो है आगे जो कार्रवाई है वो होने वाली है। सर मुझे ये बताइए कि आज आप लोगों को टाइम दिया गया था लेकिन अभी तक ना तो मुलाकात हुई है ना ही प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार यहाँ पर आए हैं, तो लगता है कि आज वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि रजिस्ट्रार की तरफ से जो है टाइम दे दिया गया है लेकिन प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार खुद नहीं आए हैं। ऐसा जी, जो टंकेश्वर कुमार जी हैं हमारे सचदेवा जी, उनका सीधा सा सिस्टम रहा है अपनी जाति को बढ़ावा देना, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना, गलत प्रमोशंस करना, गलत आदमियों का साथ देना,
जो रिटायर हो चुके हैं प्रोफेसर, उनको भी यहाँ पे रखना। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए आदमी कर सकते हैं। 70 बार हमारे को टाइम दे चुके हैं, कभी भी हमारे से मिले नहीं हैं। और हम जब एस्टेब्लिशमेंट में भी जाते हैं वहाँ पर भी बाहर से कुंडी लगवा देते हैं। इस तरीके के घृणित कार्य किए गए हैं। हमारा लेटर जो है किसी और यूनियन के पास पहुँचा देते हैं, 55 दिन बाद हमें मिलता है। हमारी जो पोस्ट है वो दूसरों को दे देते हैं। प्रोफेसर जो टंकेश्वर कुमार है उनकी जो कार्यशैली है वो कल्पना से परे है। अच्छा ये बताइए मुझे कि 2 साल के उनके कार्यकाल में अब तक कितने गलत प्रमोशंस लगभग वो करवा चुके हैं? देखो जी 3-4 तो हमारे उसमें ही लाइन में हैं, 2-3 किए जा चुके हैं। और ऐसा नहीं कि एक प्रमोशन कर दी किसी आदमी की, उसके बाद में 2 साल बाद उसकी नेक्स्ट प्रमोशन भी कर दी जाती है। जो वेटिंग में बंदा था, मनीष नाम है उसका, मनीष मलिक, वो वेटिंग में था। 2006 में लैब अटेंडेंट लगा था, वेटिंग वाले को उठा करके, और डी फार्मेसी था वो फार्मेसी में ना लगा करके फिजियोथेरेपी में प्रमोट कर दिया, जबकि फिजियोथेरेपी का फार्मेसी से कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे बहुत से केस हैं जो वो वाइस चांसलर ऑफिस में ही बैठता है, वाइस चांसलर ऑफिस के अंदर सेवाएं देता है, उसके जो है ई सारिया वगैरह कई जो बहुत सारे इधर उधर के बंदे हैं वो उसकी करते रहते हैं। अप्रोच ही बंदों का ही काम किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो लगातार आरोप लग रहे हैं कि अप्रोच के चलते ही वाइस चांसलर प्रमोशन करते हैं, ना कि जो एलिजिबल होता है उसका प्रमोशन किया जाता है। हालांकि आज सोमवार का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक ना तो वाइस चांसलर से कोई मुलाकात हुई है, ना ही रजिस्ट्रार की तरफ से कोई और समय दिया गया है। अब देखते हैं कि इस धरने को लेकर के वाइस चांसलर का क्या रुख रहने वाला है, क्या वो आकर के दोबारा से इनकी मांगे मानते हैं और जो प्रमोशन जातिवाद के आधार पर दिए जा रहे हैं उसको कैंसिल किया जाता है। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल, हिसार।